नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। इससे पहले कुछ किसान भाइयों की समस्या आ रही थी, उसके लिए हम आपको बताएंगे। पिछले कुछ दिनों से किसान भाइयों की समस्या मुझे मिल रही थी कि उनके जो पपीते पे फाल आता है वो फाल ड्रॉप होता है, और जो ये फल होते हैं इनके फलों की बढ़वार बहुत ही कम होती है। अगर आपको भी इस समस्या का समाधान चाहिए तो जल्द ही हम इस पर एक नई वीडियो लेकर आएंगे। अब आपको मैं एक और इससे कुछ ज़्यादा ही भारी समस्या है, उस समस्या का समाधान भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की जो हमारी मुख्य बात है वो है तना गलन संबंधित रोग पे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो हमारा पपीते का पौधा है उसमें अधिक जल भराव के कारण यहाँ से नीचे से तना गलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारा पौधा बिल्कुल ही नीचे गिर जाता है। तो इस रोग का हम समाधान करेंगे घरेलू विधि से। इसके लिए हमने एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और एक बड़ा चम्मच चूना कली होती है उसका लिया है। ये चूना कली वही है जिसका हम घरों में रंग रोगन के लिए काम में प्रयोग में करते हैं। हमें करना यही है, इस सारे मिश्रण को एक साथ मिलाना है जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। मैंने इस सारे मिश्रण को एक तरह में मिला रहा हूँ, आपको भी इसी प्रकार मिलाना है इस सारे मिश्रण को। और जहाँ ये रोग हमें दिखाई दे रहा है वहाँ इसको बिल्कुल अपने हाथ से लेप देना है कि जिससे ये रोग इस पौधे पे आगे ना बढ़े। किसान भाइयों, खेती किसानी की हम इस चैनल पर बार बार वीडियो लेकर आते हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इस प्रकार की वीडियो आपके अन्य दोस्त और किसानों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जो समस्या आती हैं उन समस्याओं का घरेलू विधि से ही उपचार कर सकें। ये रोग जो लगता है ये लगता है अधिक पानी के कारण। इसमें जब बरसात का अधिक पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तब यहाँ से इसकी जो ये तना है ये कमज़ोर होने लगता है और धीरे धीरे ये कमज़ोर होकर गिरना स्टार्ट कर देता है। तो अब हमें ध्यान विशेष करके यही रखना है कि अगर आगे से जो भी हम किसी पेड़ या पौधे में पानी दें तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है इसके जो पास की मिट्टी होती है वो तने के नज़दीक लगा दें। इस प्रकार तने के नज़दीक मिट्टी लगा दें और जो हमें पानी डालना है वो इस मिट्टी में बाहर की तरफ डले जिससे हमारा पानी तने तक ना पहुँचे और हमारी ये जो तना है इसका तना गले नहीं। तो किसान भाइयों, जल्द होंगे हाजिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो आप लोगों से मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अन्य किसानों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन किसानों को भी इस प्रकार की जो भी समस्या आ रही है तो उस समस्या का समाधान मिल सके। तो जल्द होंगे हाजिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।